हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे थे? एल्डोहॉल कंडेंसेशन, है ना? तो इसमें क्या जरूरी था, मस्ट क्या है इस केमिकल रिएक्शन में? प्रोडक्ट के पास सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? अल्फा हाइड्रोजन रहना। मैंने आपको बताया अभी था अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन क्या होता है। तो ये एल्डोहॉल कंडेंसेशन का हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या, विथ मैकेनिज्म के साथ मैं आपको समझा चुकी। आज मैं आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी और साथ में क्या पढ़ाऊंगी, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है? एल्डोल कंडेंसेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, तो दोनों प्रोडक्ट ऐसा नहीं चाहिए जिसमें दोनों में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। एक प्रोडक्ट बिना अल्फा हाइड्रोजन वाला से भी अगर हम करवाएंगे रिएक्शन, तब भी क्या हो जाएगा, क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए, तो पहले मैं बताई थी, पिछले क्लास में बताई थी, जो जैसे एल्डिहाइड में होता है, सेम टू सेम क्या होगा, कीटोन के केस में भी होगा। तो मैं पहले शॉर्ट ट्रिक से कीटोन के केस में आपको बताती हूँ कि कैसे एल्डोल कंडेंसेशन होगा। ठीक है, तो मैं बता चुकी क्यों इसे एल्डोल बोला गया, क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड बनता है जिसमें एल्डिहाइड एंड अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। इस कारण से इसको क्या कहा गया, एल्डोल कहा गया। कंडेंसेशन में क्या होता है, कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, विथड्रॉ ऑफ या रिड्यूस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का रिड्यूस जो होता है, रिड्यूशन जो करवाया जाता है, उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। आगे बात समझ में, एल्डोल कंडेंसेशन। देखिए अब क्या, किस केस में मैं बता रही थी, कीटोन के केस में। अब मैं शॉर्ट ट्रिक बता रही थी, ठीक है। ये लिया किया हमने CH3 C=4, यहाँ CH3, ये क्या हो गया, एसीटोन, है ना। कंडीशन क्या है, दो अप्लाई होना चाहिए। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट है डिल्यूटेड NaOH। क्या होगा, जिससे हमें क्या चाहिए, OH, ठीक है, ये यहाँ प्लस ये माइनस। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए, हीट करेंगे तब ना होगा। तो शॉर्ट कंडीशन मैकेनिज्म मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, जो नहीं थे पिछले क्लास में मेरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, यहाँ से अगर देखिए, ये क्या हुआ, एसीटोन दिया, एक और पार्ट एसीटोन दिया, तो मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। ये हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, CH3 हो गया ना। अब क्या करेंगे, दूसरा CH3 C=4 रिड्यूस किसको करना है, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिड्यूस हो गया। अब इस कार्बन को इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में अटैच कर दो, बन गया क्या, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे CH3, ये C=4, यहाँ CH, ठीक। इसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3 एंड यहाँ पे फिर CH3, ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन। ये कौन सा ट्रिक हुआ, शॉर्ट, ठीक है। अब हमने शॉर्ट ट्रिक समझ गया, ऐसे ही आगे भी बनता रहेगा। अब किस पे आते हैं, अब आते हैं किस पे, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में। अब देखिए क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, यहाँ पे इसको मैं हटा देती हूँ। यहाँ पे क्या है, पहला तो मान लीजिए ले लिए क्रिस्टल मिला है CH3 सीधा पहला ले लीजिए के लिए SCH4। यहाँ क्या है, एक भी है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। पिछले क्लास में बताई थी कि अल्फा हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके साथ क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो उसके साथ नहीं ये क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है। यहाँ मैंने लिया फॉर्मल्डिहाइड, तो
सोचेंगे कहाँ इसमें कैसे होगा एनर कंजर्वेशन, श्योर है नहीं होगा। बट सेकेंड प्रोडक्ट मैंने क्या ले लिया, CH3 डबल बॉन्ड या CHO। अब इसको अगर देखेंगे तो हो जाएगा ना, दो प्रोडक्ट बनेगा, एक होगा सेल्फ एल्ड्रोल कंडेंसेशन, एक दूसरा क्या होगा क्रॉस एल्ड्रोल कंडेंसेशन। सेल्फ एल्ड्रोल कंडेंसेशन कैसे होगा, जब इसी का दो प्रोडक्ट आ जाएगा, मान लीजिए देखिए यहाँ पे ये कंडीशन यही है, डिल्यूटेड एनएओएच होता है, ये यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अगर क्रॉस कंडेंसेशन नहीं हुआ, यहाँ पे हम लिए सेल्फ कंडेंसेशन, तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना बच्चों। एंड यहाँ पे लिख लेंगे CH3 CO, यहाँ H, वाटर रिड्यूस हो गया, ये क्या कहलाएगा सेल्फ कंडेंसेशन, एल्ड्रोल कंडेंसेशन। एंड यहाँ पे क्या होगा, पहला प्रोडक्ट प्रोडक्ट वन की ये बन रहा है, इसमें सिर्फ दो ही क्रॉस कंडेंसेशन जो होता है, क्रॉस एल्ड्रोल कंडेंसेशन, इसमें सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए देखिए CHO, ठीक CHO, यहाँ CH, कितने बार हम लोग कर चुके हैं डबल बॉन्ड CH, एंड यहाँ पे क्या होगा CH3 हो गया, ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया सेल्फ एल्ड्रोल कंडेंसेशन। एंड क्रॉस एल्ड्रोल कंडेंसेशन कैसे होगा बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या लेंगे, एच इसी से ले लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन तो हम इससे ले लिए, तो इससे हम वाटर ये ऑक्सीजन तो ले सकते हैं ना, वो तो ले सकते हैं ना, तो हो जाएगा ना, देखिए यहाँ ले लिए H, CH हो गया ना CHO, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। अब बन जाएगा सेकेंड प्रोडक्ट P2, प्रोडक्ट टू क्या बन जाएगा, यहाँ ले लेते हैं देखिए CHO, ठीक यहाँ पे CH डबल बॉन्ड एंड CH2, ये हो गया क्या क्रॉस एल्ड्रोल कंडेंसेशन। आगे बात समझ में बच्चा, यही है क्रॉस एल्ड्रोल कंडेंसेशन। मान लीजिए ये एक पहला क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा लेते हैं, और किसमें नहीं होता है एल्ड्रोल कंडेंसेशन, बेंजल्डिहाइड में नहीं होता है, बेंजल्डिहाइड में, चलिए बेंजल्डिहाइड के किसमें देख लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया CH3 CO, यहाँ एच क्या है, ये क्या हो गया एस्टरडिहाइड, ठीक है। एंड यहाँ क्या हो गया एस्टरडिहाइड, एंड यहाँ पे हम क्या ले लिए प्लस में बेंजल्डिहाइड, चूंकि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, कार्बन तो होते हैं बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होता है ये उसमें एल्ड्रोल कंडेंसेशन नहीं होता है। कंडीशन ये भी अप्लाई करें, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा डिल्यूटेड NaOH, एंड सेकेंड कंडीशन हीट। पहला प्रोडक्ट P1 क्या होगा, P1 तो सेम टू सेम होगा, होगा ना सेम टू सेम, ऐसा जैसा हम लोग पहले बनाए थे CH3 CH, फर्स्ट प्रोडक्ट बार बार एक ही चीज को क्या बनाना CH3 CH CH CH, ये हुआ था ना फर्स्ट प्रोडक्ट। एंड सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, देखते हैं P2 करके देख लेते हैं, क्रॉस एल्ड्रोल कंडेंसेशन। तो इसको लिए यहाँ पे ये अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख रहे हैं H, एंड बेंजीन रिंग यहाँ पे कार्बन लिए, कार्बन पे डबल बॉन्ड, इधर H और इधर बेंजीन रिंग, यहाँ पे लिए बेंजीन हो गया, यहाँ से निकल गया वाटर मॉलिक्यूल, हो गया एल्ड्रोल कंडेंसेशन। क्या होगा देखने से, यहाँ लेंगे CHO, ठीक CHO यहाँ आ गया, यहाँ CH, ठीक CH इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड CH, ठीक यहाँ है CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH, एंड इसके साथ क्या जुड़ जाएगा बेंजीन, बन गया एल्ड्रोल, ये क्या क्रॉस एल्ड्रोल कंडेंसेशन हो गया इसका भी। सेम केस तीसरा ले लेते हैं क्या, एक जगह पे हम ले लेते हैं क्या एसीटोन लेके देखते हैं,
क्या स्टोन लेके देखें तीसरा कंडीशन हो जाएगा। चलिए